हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 11th फिजिक्स में वेक्टर जो लेसन है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट, स्टार्टिंग कर रहे हैं वेक्टर की आज हम, और इससे पहले अभी तक हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को फिनिश किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? सो देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कैटेगराइज विद देयर डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड बेसिस। सो द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच possess magnitude as well as directions are known as a vector quantities, and the physical quantities which possess only magnitude are known as scalar quantities. Scalar quantities से student आप अभी तक familiar हैं, जितनी भी quantities आपने देखी होंगी, जैसे scalar number की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी number आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी आपके scalar numbers हैं। अगर मैं बात करता हूँ vector quantities की तो उनमें क्या होता है, आपका कुछ direction भी add हो जाती है, ठीक है। अब इन सब बातों को आपने यहाँ पर समझना है, क्योंकि इसके बाद से हम जितनी बातें करेंगे, सिर्फ फोर्स को अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत क्लास 9th में अगर देखा हो तो फोर्स के ऊपर हम कुछ एक साइन दिखाते थे, वेक्टर का साइन था, अगर बाय चांस देखा हो, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी बेसिस पर उसे देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट थी जो हमें 10th में मिले, इसीलिए अब हम आगे की बातें 11th क्लास में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज। सो यू मे नोट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। द फिजिकल क्वांटिटी which possess magnitude as well as directions are known as vector quantities. आपने नोट कर ली होगी डेफिनेशन वेक्टर्स की। अगर मैं एग्जांपल दूं, स्केलर मैंने बताया ना आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज का दो तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ है, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज तो आप मैथ्स में पढ़ते ही आ रहे हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर, तो उन्हें पढ़ने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम देख रहे हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज जो कि आपकी डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती है। हम थोड़ा एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, क्लास 12th में आपको मैथमेटिक्स में इसे कंप्लीटली जानने का मौका मिल जाता है, ठीक है ना। फिजिकल सेंस जितने हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं आज स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना, वेक्टर के इंट्रोडक्शन से। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कोई भी मैथमेटिकल अगर हम नई ब्रांच को ओपन करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत होती है जो उसके टेक्निकल नेम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास अभी वेक्टर अलजेब्रा शुरू हो रहा है, इसी तरीके से 11th 12th में आपके पास कैलकुलस शुरू होगा, जहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा। कोई भी नई ब्रांच जब ओपन होती है तो आप देखते हैं कि उसकी टर्म हमें स्टडी करने पड़ते हैं, तो उन्हीं टर्म्स को आज हम देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल जो इनका नोटेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर ये एरो का साइन लगाओ, ऐसे ऑब्लिक एरो नहीं लगेगा, स्ट्रेट एरो लगेगा, वो मैंने ऐसे दिखा रखा है। तो एरो का साइन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लग जाता है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो इसका होता है इसे हम कहते हैं टेल, और ये आपकी जो होती है इसे हम कहते हैं टिप, ठीक है ना, टिप एंड टेल। ये आपकी टिप हो गई, ये आपका टेल हो गया, और इसी तरीके से इसे आप एरो हेड भी कह सकते हैं, एरो हेड, ठीक है ना। इसी को आप टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्मिनस पॉइंट, टर्मिनस पॉइंट, क्योंकि यहां पर एंड होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो टर्मिनल पॉइंट एक तरह से ही आपका है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे की बातें करते हैं। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन था जो एक फॉर्मेलिटी थी बस, ठीक है ना। हमें फोकस करना है क्या इसका मैथमेटिकल मीन होगा, तो उस पर ही फोकस करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टर्म आता है वो है आपका इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। जैसे जैसे बातें छूटेंगी मैं उन्हें आपको आगे पे, क्योंकि वो आ ही जाएंगी, बिना उनके आगे जा पाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कुछ अगर रह रहा होगा तो वो आगे आ ही जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर्स, स्टूडेंट इक्वल वेक्टर का मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, मतलब इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ डिस्टेंस है, और इसकी कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैंने बोल दिया वो डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन है इसकी अभी। तो अगर ये वेक्टर है, मैंने इसे नाम दिया, मैंने इसे बोला लेट सपोज इसका नाम मैंने बोला ए, अब ए कह के नाम नहीं होगा, मतलब कभी भी आप इसको नॉमेनक्लेचर अगर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, ए के ऊपर ये साइन लगा देंगे, ए का ऊपर ये साइन लगने का मीनिंग क्या हो गया, ए वेक्टर। अब क्या बोलेंगे आप इसे, ए वेक्टर। ए कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को अभी हमने समझना है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल वैसे वेक्टर के आप फिर भी मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं ताकि रेफरेंस में आप ले सकें, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, या फिर कुछ भी और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं किसी एक को आप देख लीजिए जिसके साथ आप फैमिलियर हो पा रहे हो, उसको फोकस में लेना, ठीक है। मतलब ए के प्लेस पे कौन है, फोर्स एफ, ठीक है, एफ वेक्टर, इस तरह से। तो स्टूडेंट एक वेक्टर ए ये है, एक अगर सेकंड वेक्टर बी अगर यहां एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से, ये एक सेकंड वेक्टर एग्जिस्ट किया, इसका नाम मैंने बोला बी वेक्टर। इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, इस पर्टिकुलर केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर अ इक्वल वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये हम यहां पर बोलेंगे ऐसा। स्टूडेंट्स इसीलिए बोला क्योंकि जब मैं वेक्टर्स की बात करता हूं तो वेक्टर्स पजेस मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टूडेंट जब भी बात आएगी वेक्टर क्वांटिटीज की तो आप ध्यान रखिए कि वेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो मैग्नीट्यूड रखेगी कुछ, डिस्टेंस कुछ, लेंथ ठीक है ना, कुछ डायमेंशन रखेगी, और दूसरी बात है कि कुछ डायरेक्शन रखेगी, एक डायमेंशन और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीनिंग ये, जैसे इसके ऊपर ये लग गया तो ए जो हो रहा है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अभी हम समझेंगे आगे धीरे धीरे बातें। ऊपर वाला साइन डायरेक्शन है, मतलब समझ में आया कि कोई डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको ये देखना है कि अगर बोला गया इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मीनिंग है कि वेक्टर्स इक्वल है, वेक्टर्स इक्वल है मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। आप देखेंगे कि दे बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ए एंड बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम ही बोलेंगे आप इसे क्योंकि जीरो डिग्री का एंगल डिफरेंस है इनके बीच में, तो इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों का एंगल्स इक्वल है, सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सेकंड थिंग, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी मैंने यहां पर ये इस तरह की बाउंड्रीज दिखाई ताकि आपको पता चल जाए कि दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसीलिए स्टूडेंट आप ताकि समझ जाएं कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए मैंने बाउंड्रीज यहां पर दी, क्लियरली समझ लोगे। इसका मतलब ये ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल इसलिए है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और दूसरी की डायरेक्शन भी सेम है। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अगर कभी आप ऐसा लिखते हैं, वेक्टर साइन नहीं लगाते, तो उसका मीनिंग होता है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं कि दोनों इक्वल है। यस, इक्वल है, वो लेंथ ही नहीं हो सकता, ध्यान रखें। हो सकता था फोर्स हो तो फोर्स में लेंथ जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना, फोर्स में कोई लेंथ जैसी बात नहीं होती। अगर ये एफ वन इज इक्वल टू एफ टू होता, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने किसी बॉडी को 10 न्यूटन का फोर्स इधर को पुश किया और मुझे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर को मिल रहा है, तो 10-10 न्यूटन दोनों फोर्सेस हैं, तो F1 और F2 तो इक्वल है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। लेकिन क्या F1 और F2 फोर्स वेक्टर्स इक्वल हैं? अगर मैंने ऐसे कहा कोई ऑब्जेक्ट पर, अगर एक F फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक F फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्टूडेंट इसका 10 है, 10 न्यूटन, और इसका भी 10 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि क्या ये इक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यस, इसके स्केलर क्वांटिटीज तो इक्वल है लेकिन इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए ये आपके क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स नहीं रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते तो उस केस में हम जरूर कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है, अभी के केस में वेक्टर्स इक्वल नहीं है। क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। तो ये कौन सा टाइप है, ये स्टूडेंट ये वाला टाइप जहां पर हमारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहते हैं लेकिन वेक्टर्स आर जस्ट एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर। जो सेकंड टर्म आएगा उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये है आपका नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर के केस में क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल रहेंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये बात भी ट्रू है और ये बात भी ट्रू है, लेकिन अगर यहां पर इसी सिचुएशन को समझे, नेगेटिव वेक्टर की सिचुएशन को, तो कुछ इस तरह की बात होगी। ये ए वेक्टर अगर ये है तो स्टूडेंट्स इस बार बी वेक्टर कहां है, इस डायरेक्शन में। अरे हाँ, ध्यान रखें बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो कहीं आप ऐसा ना सोचें कि बी वेक्टर को आपको ऐसे लिखना चाहिए। मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट कुछ सोच लेते हैं शुरुआत में, सोचना चाहिए वैसे क्योंकि नया नया है आपके लिए, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्शन को ऐसे शो करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, सबकी डायरेक्शन इसी तरह से शो होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि कौन सा टाइप हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर। क्यों, तो मैं क्या बोलूंगा, इस बार ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ध्यान रखें ये बातें भले ही छोटी हों, जैसे कि अगर हमें किसी भी लॉ को अगर प्रूफ करना होता है किसी भी नई मैथमेटिक्स को, तो हमें वहां हर एक बातें बतानी पड़ती है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हर चीजें बतानी पड़ेंगी हमें वहां पर, इसीलिए बातें अभी जरूर छोटी लग सकती है लेकिन हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका, ताकि जब मैं आपको इसके रेफरेंस दूं तो मैं फर्मली बोल सकूं कि ऐसा होता है और आप भी ऐसा मान सकें, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूं इसे डिटेल में। ये आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर आया, मतलब दोनों में क्या है, दोनों वेक्टर्स तो इक्वल है लेकिन नेगेटिव का डिफरेंस है। नेगेटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन जस्ट एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। जैसे यहां के केस में स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, थीटा कितना था, जीरो डिग्री, दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल का डिफरेंस नहीं था। यहां पर अगर थीटा की बात करूं, थीटा विल बी 180 डिग्री और पाई रेडियन, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल इसे कह सकते हैं। ये स्टूडेंट समझ गए। अगर मैं यहां मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो मैग्नीट्यूड्स यहां भी इक्वल है, ये ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीट्यूड्स यहां भी इक्वल है लेकिन ये बात ध्यान रखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, बोलने की मुझे लगता नहीं कोई रिक्वायरमेंट, आप समझ चुके होंगे। ये स्टूडेंट ये थे, ये दो टाइप आपने समझ लिए, ये थे इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स, ध्यान रखिए इन टर्म्स को। अभी जो थर्ड हमारे पास टर्म होगा
थर्ड टर्म अगर मैं बताऊं आपको तो वो है आपका को इनिशियल वैक्टर। क्या स्टूडेंट्स? को इनिशियल वैक्टर, को लीनियर वैक्टर, नल वैक्टर और यूनिट वैक्टर, इतने वैक्टर्स हमें यहां पर देखने। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए थर्ड है आपका को इनिशियल वैक्टर। को इनिशियल वैक्टर स्टूडेंट्स क्या होगा, जिन वेक्टर्स का इनिशिएशन पॉइंट सेम हो, एक ही पॉइंट से अगर कोई वेक्टर्स इनिशिएट हो रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सभी का आप देखेंगे ओ पॉइंट क्या है, इनिशिएशन का पॉइंट है, सभी स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, ओ पॉइंट से। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल, ए बी सी वेक्टर्स या को इनिशियल, ठीक है ना। तो ये आपके को इनिशियल, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखें ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। जब हम क्लास ट्वेल्थ में पहुंचते हैं मैथमेटिक्स करते समय सेम ये बातें मैं दोबारा बताता हूं, सेम टू सेम, इसमें मैं कुछ अलग नहीं करता, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो दोनों में यही बातें चलती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा उनमें बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, आगे जाके डिवीजन होता है। तो फिलहाल को इनिशियल वेक्टर ये आपका है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर वेक्टर्स की अगर आप बात करें तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, इस तरह से आराम से समझिए इस पॉइंट को, ये और ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये या ये, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ऐसी सिचुएशन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, या कुछ और जो भी आपको लगता है, मैं समझा देता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये स्टूडेंट कोलिनियर वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि एक ही लीनियर, मतलब हुआ लीनियर आप समझते हैं लाइन, मतलब उनके बीच का एंगल एक लाइन की तरह होना चाहिए। लाइन का एंगल बेसिकली मीनिंग हुआ 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स कोलिनियर है आपस में। जैसे यहां पर आप देखें मैग्नीट्यूड पर कोई यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने देखा ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अनइक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब थीटा इस केस में 0 डिग्री है, इसलिए ए बी क्या है, कोलिनियर टाइप। यहां एंटी पैरेलल है, थीटा कितना है, 180 डिग्री है, और यहां पर ये, तो इसमें प्रॉब्लम होती है कभी कभी, कोई सोचता है कि ये वाले कोलिनियर हैं ये वाले नहीं है, इसीलिए मैंने वो ड्रॉ किया। दोनों ही सिचुएशन एक ही बात को बता रही है, जो बातें वहां पर हैं वही सेम बातें यहां पर भी हैं, ठीक है ना, वही एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बना हुआ है, और आप चाहें तो एक ऑपोजिट में बना सकते हैं इसी तरीके से, वो आपका 180 डिग्री में। स्टूडेंट एक और बात ध्यान देने लायक है जो, वो ये है कि अभी मैंने आपको बताए थे इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर, हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर जो हमारे आए थे वो कोलिनियर वेक्टर ही है, क्योंकि आपने देखा कि इक्वल वेक्टर्स थे क्या, ये इक्वल वेक्टर्स थे ना, इक्वल मैग्नीट्यूड था, एक ही डायरेक्शन थी, मतलब थीटा 0 डिग्री था, और आपने अभी देखा था नेगेटिव वेक्टर उसमें थीटा कितना था, 180 डिग्री, तो वो दोनों ही जो थे वो इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स आर इन द कैटेगरी ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, ये आपने समझ लिया। तो ये स्टूडेंट ये थिंग यहां पर हो गई, ये दो बातें आप समझ गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए स्टूडेंट्स आगे की बात, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जिसमें से एक वेक्टर है आपका, स्टूडेंट्स एक वेक्टर है आपका नल वेक्टर और एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी से आप कह सकते हैं, ठीक है, फिफ्थ जो भी इसका पॉइंट है आप लिख लीजिएगा। नल वेक्टर का स्टूडेंट मीनिंग क्या हुआ, देखिए ध्यान रखिए, वेक्टर है इसका मतलब डायरेक्शन होगी, नल मतलब जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो मैग्नीट्यूड रखता होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन रखता होगा, मतलब इसे पॉइंट वेक्टर भी आप कह सकते हैं, ऐसे टाइप का वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है कैसा है, नॉन सिग्निफिकेंट है, नेगलिजिबल मैग्नीट्यूड है, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड है, इसलिए जीरो मैग्नीट्यूड हुआ क्योंकि कोई इसका डायमेंशन नहीं बन पा रही है, ठीक है ना, एक मैग्नीट्यूड। रही बात इसकी डायमेंशन डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आर्बिट्रेरी, ध्यान रखिए आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है ये स्विच, इसका मीनिंग होता है क्या, स्विच, ठीक है, तो स्वेच्छ का मीनिंग होता है स्व इच्छा, यही तो मीनिंग होगा इसका, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि स्वेच्छ का मतलब मैं बताना चाह रहा था कि आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या है, आर्बिट्रेरी का मीनिंग है कि अपनी इच्छा से ले सकते हैं कोई भी हम डायरेक्शन, ये मीनिंग होता है बेसिकली आर्बिट्रेरी का। इसीलिए आर्बिट्रेरी डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास अगर एक इस तरह का एक पॉइंट मास है या कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे नल वेक्टर को तो हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रही बात, और इसकी डायरेक्शन देने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं,
ठीक है ना, अपनी इच्छा से हम इसको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको बात समझ में आ गई, तो आप समझ रहे हैं कि कभी हम यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन ऐसे। जरा ध्यान रखें इस बात को कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। कभी हो सकता है कि आप किसी दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हो, वेक्टर एडिशन हम आगे देखेंगे। मान लिया, सोचिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरह से, मैं चाहता हूं कि किसी सिचुएशन में मुझे मान लिया इस पर नल वेक्टर को ऐड करना है। सिचुएशन क्या होगी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है जैसे मान लिया मुझे 3 में 0 ऐड करना था, कभी आ सकती है सिचुएशन। आप देखिए क्लास 12th में जब रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप, अभी बहुत लंबी बात है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो उस समय कुछ बातें आती हैं कि जीरो को ऐड करना है या कुछ करना है, वैसी कुछ बातें आती है, ठीक है ना। तो मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लिया आपको इसमें नल वेक्टर को ऐड करना है कोई सिग्निफिकेंस लेने के लिए बाय चांस, तो आप चाहेंगे कि अगर दोनों इक्वल डायरेक्शन में हो जाए तो आप इस पे इंडिपेंडेंट हैं जीरो वेक्टर को ऐड करने में, क्योंकि जीरो वेक्टर कोई भी डायरेक्शन को ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए जीरो वेक्टर इसमें एड अप हो जाएगा बिना किसी डायरेक्शन के बदले हुए इस वेक्टर में, ठीक है ना। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसका मीनिंग यह है कि इसके पास आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, मतलब ये जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो सकता है, कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये इसका मीनिंग था। ये स्टूडेंट आपने समझ लिया नल वेक्टर, ठीक है ना। आगे पे कुछ इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है। नल वेक्टर का मीनिंग आप जीरो से लगाइए, जैसा जीरो के साथ होता है वैसा ही नल वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, बस ऐसी बातें होती है, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट एक वेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जो आपका लास्ट वेक्टर है टाइप ऑफ वेक्टर में, ठीक है ना। उसका नाम है आपका यूनिट वेक्टर। क्या नाम है इसका? यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही आपको दे पाऊंगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में तो बनते ही है, मैथ्स में इससे काफी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो रिप्रेजेंट ऐसे होगा, ए हेड बोलते हैं या ए कैप इसे बोलते हैं, ठीक है ना। कैप टाइप की बनी है या हेड, ए हेड अगर बोलेंगे तो ये आपका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको अभी पूरा कुछ ही बातें बता सकता हूं, कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वेक्टर में एंट्री करेंगे वहां हम सीखेंगे। फिलहाल यूनिट वेक्टर के बारे में ये बात, अगर आपके पास ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, अभी मैं आपको प्रूविंग नहीं करवा सकता हूं इसकी, ठीक है ना, क्योंकि प्रूविंग के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो टूल्स हमें आगे मिलेंगे जब हम वेक्टर एडिशन के लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये कोई ए वेक्टर है, बोला गया कि इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर का मीनिंग तो हो गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसके पास कुछ होगा, मतलब वेक्टर बोला तो डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड कहाँ है, मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिट मतलब वन, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, डिस्टेंस के टर्म्स में। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि यहां से मान लिया यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का, इसे अगर हम वन मैग्नीट्यूड अगर इसका होगा, तो ये जो वेक्टर होगा ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर आप इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसकी, ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन के लिए। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर, जैसे ऐसा समझे कि 3 यहां पर लिखा था, ठीक है, 3 के साथ मैंने ए कैप लगा लिया, क्या फर्क पड़ा? 3 अभी तक स्केलर क्वांटिटी थी, ए कैप लगाने का मीनिंग होगा कि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, वन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब सोचिए कि वन मैग्नीट्यूड जब इसके साथ आ गया, मतलब जब इसके साथ वन मैग्नीट्यूड आया और ये डायरेक्शन आई, तो क्या स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 3 times 1 3 ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पर तो कोई असर नहीं डाल पाएगा। यस, ये डायरेक्शन जरूर दे देगा इस चीज को, इस 3 को डायरेक्शन दे देगा, इस बात को हम डिटेल में देखेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, मतलब क्या, बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को, ठीक है ना। की नोट है पूरा आपके थ्रू आउट द फिजिक्स मैथमेटिक्स क्लास 12th तक का, फिर उसके बाद आप फेमिलियर हो जाएंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसे आगे डिटेल में हम समझेंगे, फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीनिंग ये होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए वेक्टर का अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बातें हमें समझनी है, मैग्नीट्यूड ये सारी बातें डिटेल में समझेंगे, आराम से क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी कुछ बातें हल्के हल्के ही कर रहा हूं मैं ऊपर से, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप बोलेंगे ए होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए मैग्नीट्यूड होगा, ए इसका मैग्नीट्यूड है। कोई अगर पूछे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो अगर मैं यहां बोलूं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट मतलब मुझे यहां पर वन वेक्टर चाहिए, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड वन चाहिए,
मतलब यूनिट वेक्टर का सीधा मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर, तो मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब यहाँ वन बचा है, ध्यान रखिए यहाँ वन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ओवर मॉड ऑफ ए। तो बिल्कुल ध्यान रखें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो, ए का मैग्नीट्यूड में आप ऑन कर दीजिए मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है ना। आपने सॉरी मैंने यहां पर क्या किया, मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होगा ये। तो हमने क्या देखा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, तो आपके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए अपॉन ए वेक्टर, ये आपकी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल रहा है। समझ में आ रही है बात आपकी, यूनिट वेक्टर जो होगा, अगर आपको यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो ये निकलेगा। बिल्कुल ध्यान रखिए किस तरह से, ए ओवर ए वेक्टर, ए स्टूडेंट क्या है आपके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और नीचे उसके क्या आ जाएगा, वेक्टर। ध्यान रखें ए वेक्टर, ये निकालने का तरीका बेसिकली ये होता है, ए वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसे इस तरह से समझते हैं, देखिए जरा यहां से मैंने मिस्टेक किया, इसे यहां से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, कोई अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर, अभी हमारे पास वैसे एग्जांपल नहीं है, प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं है कि जिससे हम समझ सकें कि क्या होगा। अगर मैं बोलता हूं कि एक ए वेक्टर, जैसे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, ठीक है ना। वैसे मैं इसे आगे पे समझाऊंगा, हो सके तो अभी समझ जाइए, अदरवाइज बाद में समझेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, मतलब क्या हुआ कि हम बोल रहे हैं कि 5 न्यूटन का कोई फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 न्यूटन, वो 5 यहां लिखा है, बाकी यहां फोर्स विद डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 मैग्नीट्यूड अगर हो, 1 मैग्नीट्यूड में कितने वेक्टर आएंगे, मतलब कि अगर ए मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर आता है, ए मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर आता है, तो 1 मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड में कितना वेक्टर आएगा, ए वेक्टर ओवर ए, यूनिट मैग्नीट्यूड में कितना वेक्टर आएगा, ए वेक्टर ओवर ए, और ए था क्या स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ ए, मतलब हाँ मॉडुलस भी बोलते हैं इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी। तो आपने देख लिया ये चीज है, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड में हमने क्या देख लिया कि कितना वेक्टर आएगा, इतना वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड में इतना वेक्टर आएगा, और यूनिट मैग्नीट्यूड में आने वाले वेक्टर को हम क्या कहते थे, यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम कहते थे यूनिट वेक्टर। इसलिए इस यूनिट मैग्नीट्यूड में आने वाला जो ये वेक्टर निकला, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर। हो सके तो इसको अभी रिमाइंड रखिए, माइंड में रखिए, ठीक है ना, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि इसका असली आपको जो मीनिंग मिलेगा वो तभी मिल पाएगा जब हम देखेंगे डायरेक्ट इसको करते हुए। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कोई ए वेक्टर में सपोज करूंगा, अभी मैं सपोज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको ट्राइंगल लॉ नहीं पढ़ा है, तो अभी आप समझेंगे नहीं उन बातों को, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस। थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता देता हूं, आपने रिप्रेजेंटेशन देखा था 1D, 2D, 3D का, अगर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एंड जेड एक्सिस, उस सिचुएशन में स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस होती है, अगर हमने ये डिफाइन करा है पहले से, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल हमने डिफाइन किया यूनिवर्सली कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हमेशा एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस की अगर डायरेक्शन बतानी हो तो हम बोलेंगे आई कैप, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर अगर हमें शो करना हो तो हम बोलेंगे i कैप। मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि 3 i कैप, मतलब मैं बोल रहा हूं कि x एक्सिस की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड, मतलब 3 डिस्टेंस x एक्सिस की डायरेक्शन में। y एक्सिस के लिए हमने जो डिफाइन किया है वो है j कैप। अगर मैं लिखता हूं 3 j कैप, मीनिंग क्या, मैं लिखता हूं 4 j कैप, तो स्टूडेंट मीनिंग क्या होगा, 4 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर तय किया है, उसका नाम है के कैप। और इस तरह से अगर आपको कोई कहे कि 5 k कैप, तो आप मीनिंग क्या बोलेंगे, 5 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इस तरह से इसका मीनिंग हुआ, बात क्लियर हो रही कि थोड़ी थोड़ी, अभी पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता यूनिट वेक्टर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि ये यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें स्टूडेंट में आगे पर ही हो पाएंगे, वहीं पर ये पॉसिबल नहीं कर पाना, ठीक है ना, जब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशंस के लॉ। तो उसके बाद आप जरूर ध्यान रखिए, इसे माइंड में रखिए कि ये बातें हमें आगे पर पढ़नी है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। फिर भी आप यहां से समझ गए कि ए वेक्टर में कितना होगा, मैग्नीट्यूड ए होगा, तो यूनिट मैग्नीट्यूड में कितना वेक्टर होगा, इतना। जो मैंने पहले अभी प्रीवियस किया था यहां पर, वो मिस्टेक हुआ था, उसे माइंड से इरेज करें, ये जो मैंने किया ये ट्रू है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं यूनिट वेक्टर, याद नहीं करना इसे, आगे पे समझेंगे क्या क्या होगा, ठीक है ना, अगर अभी नहीं समझ में आया तो। स्टूडेंट ये था बेसिक इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का, आगे हमें वेक्टर को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर वेक्टर के साथ होने वाली है, ठीक है ना, आप उन्हें अभी से अगर करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।